ये हैं दोस्तों गर्मा गर्म मोमोज। ये मोमोज घर पे बनाए हुए हैं। मोमोज को देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि मोमोज सभी को पसंद होते हैं। तो आज हम बनाएंगे मोमोज। इसके लिए हमें एक कटोरी बेसन मैदा चाहिए और इसको गूंदने के लिए गुनगुना पानी भी कर लेंगे और अपने स्वाद अनुसार हल्का नमक हो इतना नमक डालकर हम इसको धीरे धीरे करके गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हुए हम इसको एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जब डो तैयार हो जाएगा तो हम इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको गूंथ लिया है। हमने सारी सब्जियां काट के महीन महीन रख ली हैं। जो भी हमारे पास सब्जियां हो वो सभी सब्जियां काट लेते हैं। इसमें मोमोज में सबसे ज़्यादा पत्ता गोभी की ज़रूरत होती है। पत्ता गोभी ज़रूरी है, बाकी की अपने मर्जी अनुसार उसमें सब्जियां डाल सकते हैं। चटनी के लिए हम 4-5 खड़ी लाल मिर्च ले लेंगे, 2 कलियां लहसुन की और 4 टमाटर ले लेते हैं मीडियम साइज़ के। उनके हम 4 टुकड़े काट के एक बाउल में रख देंगे। इसमें हम पानी डालकर उबालेंगे। अब हम इसमें देखिए पानी इतना डाल रहे हैं कि हमारे टमाटर डूब जाएं, ज़्यादा ना रहे, क्योंकि हमें चटनी ठीक चाहिए, ज़्यादा पतली ना हो जाए, बस टमाटर उबल जाएं। और आधा चम्मच नमक डाल दिया है, नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसको आंच पे उबलने के लिए रख देंगे। हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करें। देखिए हमने चटनी के लिए टमाटर उबलने के लिए गैस पर चढ़ा दिए हैं। अब हमने सब्जी ले ली है, उसमें 2 गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता वाला प्याज, पत्ता गोभी और 2 हरी मिर्च भी महीन काट के रख ली हुई हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देंगे। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, जिसमें कि हमने जो सब्जियां काटी हैं वो पकाएंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें 2 चुटकी हींग डाल दी है। अब गाजर और शिमला मिर्च डालकर थोड़ी देर के लिए हम चलाते हुए पकाएंगे इनको। जब शिमला मिर्च और गाजर हल्का 1-2 मिनट के लिए भुंज जाए, इसके बाद हम सारी सब्जियां जो भी काटी हुई थी वो सभी एक एक करके मिला देंगे। देखिए हमने पत्ता गोभी और हरा पत्ता वाला प्याज और मिर्चा सभी चीज़ें मिलाकर हम इसको चलाते हुए पकाएंगे। ये सब्जियां पकाते समय हम मीडियम आंच पे ही पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। अब हम जब तक सब्जियां पक रही हैं तब तक हम चटनी पीस कर रख लेते हैं। मिक्सी जार में हमने टमाटर और 4-5 कलियां कच्चा लहसुन और अपने स्वाद अनुसार नमक डालकर हम इनको पीस के चटनी तैयार कर ली है। देखिए कितनी अच्छी चटनी लग रही है देखने में। अब हमारा डो सेट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। हम इनको पतली पतली लोइयां बेलकर हम मोमोज बनाएंगे। देखिए हमने बेल रहे हैं। इसी तरह से छोटे छोटे आकार के हम पेड़े बनाकर रख लेंगे और सारे मोमोज तैयार कर लेंगे। देखिए हमने एक पूरी बेल ली है और इसमें हम 1 चम्मच जो सब्जी तैयार की थी वो सब्जी इसमें भर ली है और चारों तरफ पानी लगा दिया है, जिससे कि जो मोमोज हम उसको बनाएंगे तो इसकी परत परत है जो अच्छे से चिपक जाए और स्टीम करते समय खुले नहीं। देखिए इस तरह से हमने मोमोज बना के तैयार कर लिया है। आप चाहें तो किसी भी आकार का मोमोज बना सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें। मैंने सारे मोमोज इसी तरह से तैयार किए हैं और हमने
जितना हमने बनाने था उतने सारे मोमोज बना के हमने रख लिए। देखिए ये हमारे मोमोज बन के तैयार हो गए हैं। अब हम एक स्टीमर में थोड़ा सा पानी डालकर उसको गर्म होने रख देते हैं। उसके ऊपर जाली रख कर एक पतली जाली और रख देंगे जिस पर कि हम मोमोज पकाएंगे। अब इस जाली में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जिससे कि जब हम मोमोज इसमें रखें तो चिपके नहीं। एक एक करके सारे मोमोज हम इसमें रख देते हैं। देखिए पानी हमारा उबल रहा है, जब तक तेज़ गर्म होगा तब तक हम सारे मोमोज में रख देते हैं। अब हमने इसको ढक के अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिए हैं। देखिए हमारे मोमोज सारे अच्छे से पक चुके हैं और हमने गैस बंद कर दी। अब इनको निकाल कर प्लेट में सर्व करते हैं। एक एक करके सारे मोमोज निकाल लिए। देखिए